हमास के जेन इन चीफ को 1000 राउंड फायर कर भुन डाला। हमास के कमांडर वासीम हाजम का खात्मा ऐसे भयानक हमले में किया गया जिससे पूरा जेनिन दहल गया। लेकिन इजराइल फोर्सेस का ऑपरेशन जेनिन अब भी जारी है। तो क्या जेनिन की सुरंग में यहां सिनवार भी छिपा हुआ है? नेतन्याहू को जेनिन से किस बड़ी खबर का इंतजार है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, 6 महीने की तलाश, 6 सेकंड में गेम ओवर। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4। जेनिन में 20 सालों का सबसे बड़ा हमला। IDF ने मार गिराया हमास का जेनिन कमांडर। पहले गोलियों की बौछार, फिर ड्रोन अटैक। इसराइल के अंडरकवर एजेंट पोजीशन ले चुके थे। इसराइल का ड्रोन पोजीशन ले चुका था, बस टारगेट की पहचान होनी थी। और जैसे ही टारगेट को लेकर इजरायली फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिला, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कितनी गोलियां बरसाई गईं किसी को नहीं मालूम। हाँ, ये पता है कि इजरायल के अंडरकवर एजेंट्स ने अपनी पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। गोलियां तब तक बरसती रहीं जब तक इसराइल के मोस्ट वांटेड की सांसें चलती रहीं। इसी कार में 2 और हमास के बंदूकधारी सवार थे, उन्होंने भागने की कोशिश की तो पहले से पोजीशन पर मुस्तैद ड्रोन ने उनके चीथड़े उड़ा दिए। इस कार में इसराइल का मोस्ट वांटेड हमास का जेनिन कमांडर वासीम हाजम बैठा हुआ था। महीनों से इसराइल की फोर्स इसकी तलाश में थी, लेकिन यह IDF के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। लेकिन जैसे इसकी सटीक लोकेशन की जानकारी IDF को लगी, तो IDF ने वासीम हाजम के खात्मे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पुलिस के मुताबिक वासीम हाजम जेनिन में हमास का प्रमुख था और फिलिस्तीनी इलाकों में लगातार IDF के खिलाफ बम बारूद से हमला कर रहा था। IDF ने वासीम के खात्मे के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में कैश पाया गया है। अब इस गाड़ी की हालत देखिए, इस कार में विस्फोटक भरा हुआ था। दावा है कि कार में सुसाइड बॉम्बर्स थे, लेकिन इससे पहले कि कार सवार लड़ाके अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, IDF ने इसे दुनिया से ही विदा कर दिया। आतंकवादियों ने करमेई तजूर के एंट्री गेट पर एक गार्ड को कुचलने की कोशिश की और IDF के इलाके में घुसपैठ की कोशिश में लगे थे। तभी घटनास्थल पर पहुंचे सैनिकों ने एक हमलावर को मार गिराया, जिसने उन पर गोलियां चलाई थी और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि एक दूसरी घटना में कार में आग लग गई और गैस स्टेशन में विस्फोट हो गया। हमला नाकाम होने के बाद हमास ने भी एक बयान जारी किया और मारे गए आतंकियों की तारीफ की और इसे वीरतापूर्ण ऑपरेशन करार दिया। यह एक स्पष्ट संदेश है कि जब तक क्रूर कब्जे की आक्रामकता जारी रहेगी, तब तक हमारा प्रतिरोध भी लंबे समय तक और लगातार बना रहेगा। हमारे लोगों की जंग जारी रहेगी। जेनिन में IDF के धुआंधार ऑपरेशन से वहां के गवर्नर थिलमिला गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कमाल अबू अल रब। من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد أهلنا ومحاصرة المستشفيات وتعرض الهلال الأحمر والأطباء من لعدوان إسرائيلي غاشم، حتى هناك كثير من الناس اللي بيطلبوا إغاثة يعني مش قادرين نصل لهم. صرف جنينيني इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड कमांडर मोहम्मद कैट रोई को मार गिराने का दावा किया है। IDF ने बताया कि शनिवार को मध्य गाजा में टारगेट बनाकर किए गए हवाई हमले में PIJ कमांडर की मौत हो गई। यरूशलम पोस्ट ने IDF के हवाले से बताया कि इजरायल कैट रोई को रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार मानता था जो गाजा पट्टी में किए गए थे। मारा गया कमांडर PIJ में डिप्टी ब्रिगेड कमांडर और खुफिया अधिकारी जैसे पदों पर काम कर चुका था। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को गाजा में हमास के बाद
दूसरा सबसे बड़ा गुट माना जाता है। अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। ये गुट वेस्ट बैंक में भी है। ये संगठन इजराइल पर सैन्य जीत को ही अपना उद्देश्य मानता है। इजराइल के आसमानी और जमीनी हमले में इजरायली सेना को लगातार कामयाबी मिल रही है, लेकिन जेनिन हो, वेस्ट बैंक हो, रफा हो या गाजा सिटी, हर ओर एक जैसी तबाही नजर आ रही है। ये समीर खलील हैं, आईडीएफ के हमले के बाद अपने टूटे हुए घर को देखने पहुंचे। 2 महीने में मारे गए 20 कमांडर। इजराइल ने 2 महीने से जंग बेहद ही तेज कर दी है। आईडीएफ, हमास और उससे जुड़े दूसरे संगठनों के करीब 20 कमांडर्स को मिट्टी में मिला चुकी है। जुलाई के बीच में ही हमास के प्लाटून कमांडर और अल खैर फाउंडेशन का निदेशक होसाम मंसूर मारा गया था। इसके अगले ही दिन खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर रफा सलामेह मारा गया था, जिसे हमास प्रमुख याया सिनवार और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ के करीबी के रूप में जाना जाता था। हमास के अल फुरकान बटालियन के कमांडर जाबेर अजीज और वरिष्ठ कमांडर वालिद अल सौसी को भी मारा जा चुका है। 31 जुलाई को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई थी। हालांकि इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं इससे एक दिन पहले 30 जुलाई को बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकर को भी हवाई हमले में मार दिया गया था। जेनिन में इजरायली सेना की रेड का 4th दिन खत्म होने वाला है और आईडीएफ हमास और उससे जुड़े संगठनों को लगातार ठिकाने लगा रही है। इस हमले में फिलिस्तीनियों की भी मौत हो रही है। हमले के बाद फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने आईडीएफ पर आरोप लगाया कि जेनिन शरणार्थी शिविर में पहुंचने के बाद भी आईडीएफ ने उन्हें शवों और घायलों को ले जाने से रोक लगा दी। सोसाइटी का ये भी आरोप है कि सरकारी अस्पताल की बिजली गायब हो चुकी है। ऐसे में उनकी टीम घायलों को अल रजी अस्पताल में ले जा रही है। अब जेनिन से आए इस वीडियो को देखिए। ये वो महिलाएं हैं जो इजरायली हमले के बाद जेनिन शरणार्थी शिविर से भाग गई। इस महिला ने रॉयटर्स को बताया कि उसके परिवार को इजरायली हमले के दौरान गोलीबारी में मारे जाने की आशंका थी। महिलाओं ने ये भी कहा कि जब वो कैंप में शरण लिए हुए थी तो उनके आसपास गोलीबारी बहुत तेज हो रही थी, इतनी कि वहां से निकलने के अलावा इनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। غار ما فوق المنزل وهدوا الدار عليهم واستشهدوا ثلاثه منهم 2 اخوان واخوهم الرابع الثالث مخطر وابوهم متصاب شايف وهذا اللي صار فتشوا بيت بيت وفوتوا يحققوا ويعملوا جلسات تحقيق مع الناس وهذا اللي صار يعني وطبعا البنية التحتية دمروها ما خلوش ولا شيء وهذا معروف يعني هذا عدو غاشم شو بده يعني بده يدمر وين ما راح بده يدمر لا اتوقع منه اي شيء حلو بالدنيا। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इजराइल के ऑपरेशन के दौरान कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेनिन में और कितने दिन इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा, इसके बारे में इजरायली फोर्सेज ने कुछ नहीं बताया।